अब तक आपने देखा, अगर हमारी गलती होगी ना तो हम अम्मा जी से 100 बारी माफ़ी मांग लेंगे, पर जब हमारी कोई गलती ही नहीं है तो हम झूठ मूठ की माफ़ी कभी नहीं मांगेंगे। सुन लिया बहू? सोच ले लड़की, क्या चाहिए तुझे, माफी या व्रत? तेरा व्रत शुरू हो गया। व्रत टूटने पर क्या होता है पता है ना? हाँ जानते हैं। तो ध्यान रहे, व्रत टूटने ना पाए। तुम्हारा व्रत टूट सकता है, हमरा नहीं। हम तो व्रत पूरा करके रहेंगे। अब आगे लीजिए शरबत पीजिए। महाराज जी, ये लीजिए बाबा शरबत। आइए बहन जी, शरबत लीजिए, आइए आइए बाबा, आइए भाई साहब। निर्जला व्रत है ना, उधर देखना भी पाप है, व्रत टूट सकता है, समझी? चुपके से पी ले, तुझे बहुत प्यास लगी है ना। खाने का ध्यान भी मन में नहीं ला सकते, ये तो सब व्रत बेकार। 24 घंटे तक ना पानी ना खाना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Thank you.
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। सुधा एक ससुरा पानी पी लेने दे, मेरे चला व्रत की आदत नहीं है, देख बुरी हाल है उसके। छोड़िए ना अम्मा जी, कुछ नहीं होगा इस लड़की को। हम बड़े को बड़ी बड़ी बातें सुना रही थी ना, बहुत इतरा रही थी ना, एक बार व्रत करेगी तो समझ में आ जाएगा ऐसे कि व्रत करना कितना मुश्किल है, हम लोग के लिए जीवन मात्र जीना कितना मुश्किल है। तब शायद इसके मन में हमारे लिए थोड़ा सा आदर पैदा, अभी तो उसके मन में हमारे लिए बिल्कुल भी कदर नहीं है और आगे भी कभी नहीं होगी, समझ लीजिए। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हे भगवान, बच्चे की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही मुझसे, ये भी गंगा को मेरे हवाले करके गए, कहीं से कुछ हो गया तो। एक एक करके व्रत के सारे नियम पूरे कर रही है, बड़ी जिद्दी है, मानती भी नहीं है। हाँ, अगर कोई नियम टूट जाए तो अम्मा जी से डांट जरूर पड़ेगी, व्रत से तो छुट्टी मिलेगी बेचारी को। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। व्रत को तोड़ना है मुझे, लेकिन कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे गा। हरे रामा हरे रामा। ये ले 21 रोटियां हैं, गाय को खिलानी है ना, आसपास कोई गाय ढूंढ के उसे खिला के जा। क्या हुआ, भूख लगी है? तो कह देना कि नहीं हो पा रहा है, बोल दे। सुधा बुआ, मैं हार गई। बोल। मारेंगे नहीं सुधा बुआ, ये व्रत पूरा करके दिखाएंगे और अपने हाथों से गैया को रोटी भी खिला कर आएंगे। नहीं कहूँगा, नहीं कर पाएगी, क्योंकि तेरा व्रत तोड़ने वाला हूँ मैं, तभी भूखे पैसे रहने से छुट्टी मिलेगी तुझे। जी शरबत लीजिए।
आइए साहब। आइए बहन जी। ये ले गंगा, पी ले, कुछ नहीं होगा, दादी को पता भी नहीं चलेगा, पी ले। पी लेना। पी ले। पी ले। हाँ गंगा, पी ले थोड़ा सा, देख होंठ कैसे सूख गए हैं तेरे। और चिंता मत कर, बच्चों को कोई पाप नहीं लगता, अरे वो तो भगवान के लाडले होते हैं। पी ले थोड़ा सा। नहीं महाराज जी, चोरी का ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, और दया की भी कोई चीज नहीं चाहिए। दो महीने कहाँ मिलेगी, ये पूजा की कई छुट्टियां खिलानी है। शायद उस गली में मिल जाए, नहीं तो वहां मंदिर के पास। ये लो महाराज जी। जाके देखते हैं। वो इतनी सारी गाय घूमती है, वो रिक्शा के सामने आ जाती है, ढूंढ रहे तो एक भी नहीं। गंगा, तो गाय नहीं मिली तो पेट भर क्या होगा ना गौ मैया, फिर भी सारी रोटी खा लेना, हमें अपना व्रत पूरा करना है ना। Thank you.
अगर कोई नियम टूट जाए तो अम्मा जी से डांट जरूर पड़ेगी, पर व्रत से तो छुट्टी मिलेगी बेचारी को। साड़ी तो खिला दी तूने गांव मैये को। सच्ची 21 की 21 रोटी खिला दी हमने। हाँ चल अब काम खत्म ना, अब घर चलते। केवल भूखे प्यासे रहने से कुछ नहीं होता। व्रत का पहला नियम है कि अपने पेट के भूख के साथ साथ अपने मन और अपने क्रोध पर भी नियंत्रण किया जाए। हरे कृष्णा हरे मुरारी। लो सबुआ 21 रोटियां खिला दी। सब खिला दी। हाँ। 21 के 21। देखा सुधा, उस दिन तो तुम बड़े जोर से कह रही थी कि अम्मा जी आप तो बहुत धर्म करम वाली हैं, इस लड़की को कुछ नहीं सिखाया। देखा मेरी छत्र छाया में आके लड़की कितना बदल गई है। कठिन व्रत किया है इसने, एक एक नियम पालन कर रही है ये। पुण्य भी तो आपको ही मिलेगा ना अम्मा जी, एक निधर्मी को संस्कारी बना दिया है आपने। बैठ जा और अब 108 बार ओम वासुदेवाय नमः का जाप करना पड़ेगा तुझे, वो भी जोर जोर से। सबको सुनाई पड़ना चाहिए, चल बैठ जा। आजा। जोर जोर से। सुबह से बच्ची भूखी प्यासी है, पानी तक नहीं पिया है उसने, गला सूख रहा होगा उसका, ऐसे में 108 बार जोर जोर से जाप कैसे करेगी? हमने तो पहले ही कहा था कि ये बहुत कठिन व्रत है, मगर इस लड़की ने कहा था दावे के साथ कि कोई बड़ी बात नहीं कर लेंगे, तो करें ना। इस व्रत के हर नियम कानून का पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा इस लड़की को, नहीं तो ये कह दे कि नहीं कर पाएंगे, है ना अम्मा जी? हाँ सुधा तुम ठीक कह रही हो। ए लड़की बैठ जाओ। एक सौ आठ बार जोर जोर से जाप करना है ना, कर लेंगे। नहीं तू नहीं कर सकती। कर सकते? दादी ने जो जो कहा वो किया ना हमने, तो ये काय नहीं कर सकते? सबका क्या? 21 रोटी खिलाती ना गाय को, तूने तो सिर्फ 20 ही खिलाई। ये देख एक रोटी बच गई।
रोटी छुपाई? झूठ बोला हमसे कि गौ माता को सारी रोटियां खिला दी? बोलो, झूठ बोले ना? बोलो सागर, झूठ बोला? ब्रेड टूट गया तेरा, अब कुछ नहीं हो सकता।